दोस्तों देखिए, उबले हुए चावल और काबली चने का टेस्टी नगेट्स बन के तैयार हैं और ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। देखिए, मैं इसको दिखाती हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये 5 मिनट। नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उबले हुए चावल और ये काबली चने का बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 1 कप चावल ले लिया है, ये उबला हुआ चावल है। और ये आधा कप हमने ले लिया है उबला हुआ चना, ये काबली चना। और ये एक हरी मिर्च को हमने रफली काट लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और 1 बड़ा चम्मच हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। और ये आधा चम्मच हमने ले लिए है सूजी। सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। इसको हमें फाइन पीसना है। सूजी भी डाल देंगे हम इसी में, अदरक हरी मिर्च भी डाल देंगे और ये मूंगफली के दाने भी। अब इनको हम पीस लेते हैं। देखिए, ये हमने सब पीस के ले लिया है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ये मटेरियल हमने बड़े बॉल में निकाल लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा साबुत जीरा डाल देंगे, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें आप। और ये थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेंगे और इनको डाल के हम मिला लेंगे। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। प्याज या फिर और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा हम हाथ पे पानी लगा लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा पाट लेंगे। और इसका हम इस तरह से, देखिए, इस तरह से हम इसके नगेट्स बना लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं देखिए इस तरह की शेप दे रही हूँ, इस तरह से हम इनके बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, एक और दिखा देती हूँ, इसको लंबा करेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए, बना के तैयार कर लिए हैं और कितने कम सामान से कितने सारे बन गए हैं। चलिए अब इन्हें हम सेक लेते हैं। दोस्तों, एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये नगेट्स अपने डाल देंगे, जितने भी आ जाएँ उतने डाल लें। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इन्हें। थोड़ा सा स्पेस देके मैं डाल रही हूँ, जिससे कि हमें बदलने में आसानी होगी। गैस हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, बस लो से हल्की सी तेजी रखेंगे बस। देखिए, सारे आ गए हैं इसमें। देखिए, सारे हमने डाल लिए हैं। अब 2 मिनट हम इनको इसी साइड से पकने देंगे, हम इनको टच नहीं करेंगे अभी। तो 2 मिनट हो गए, इनको हम बदल देते हैं। मेरे पास ये छोटा सा चिमटा है, मैं इससे बदल देती हूँ, आप किसी से भी बदल सकते हैं। देखिए, इससे भी बदल सकते हैं आप, धीमे से कोई भी कोंचा लेंगे बदल देंगे। देखिए, आराम से बदल लिए जाएंगे। हम सभी इसी तरह आराम से बदल देंगे। दूसरी तरफ हमने बदल दिए हैं। अब इस तरफ से भी हम 2 मिनट सेक लेते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। दूसरी तरफ से भी सिकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम बदल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं ये, एकदम से परत इनकी वो एकदम करारी हो गई है। आराम से बदल लिए जा रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार आप बनाकर देखिएगा, बार बार बनाएंगे आप इन्हें। फिर दूसरी तरफ से भी हमने बदल लिए हैं इनको। अब एक 1-2 मिनट हम इनको बदलते हुए और सेक लेंगे। वैसे
अच्छी तरह सीख गए हैं, लेकिन फिर भी और सीख लेते हैं, थोड़ा सा करारा हो जाएंगे, थोड़ा खड़े हो इस तरह से हम करके भी सीख लेंगे, खड़े करके भी। दोस्तों देखिए ये सीख गए हैं, अब इनको हम उतार लेते हैं, नैपकिन पे रख के हम उतार लेंगे। गैस हम बंद स्लो कर लेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे, निकालने के बाद बंद करेंगे। दोस्तों देखिए उबले हुए चावल और काबली चने का टेस्टी नगेट्स बन के तैयार हैं, और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, इनमें टाइम भी नहीं लगता बनाने में, तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये नगेट्स बना के हम फ्रिज में रख दें, और जब मेहमान वगैरह आए तो हम तभी तल के दे दें, तो ये आसान हो जाएगा काम। और इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, सर्व करते हुए पहले ना डालें, सर्व करते हुए डालें। और थोड़ी सी डाल देंगे हम चटनी, आप मनपसंद कोई भी मीठी सॉल्ट वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम टूथपिक लगा कर सर्व करें, तो ये और भी डिलीशियस और अच्छे लगेंगे देखने में भी। देखिए देखने में कितने खूबसूरत है, खाने में और भी अच्छे हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।